हम सबकी तरफ से जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तय में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। आमिर साहब, आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूं, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। एक्टर बनके पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं, आपके हिस्से में ये आया है, सिर्फ आपके हिस्से में, कि आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सबकी तरफ से जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तय में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। सर, आपने आके हमें आज बड़ा कर दिया। मैं वास्तव मैं आई मीन इट सर, क्योंकि जब पंजाबी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ था 2003 में, मनमोहन सिंह जी ने पहली पिक्चर बनाई थी, मनमोहन जी जो सिनेमेटोग्राफर जिन्होंने बेताब से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक सारी सिनेमेटोग्राफी की है, मनजी ने, हाँ जी, तो मनजी ने पहली पिक्चर बनाई थी जिया अनु, हमने वो शुरू की थी, तो हमारी 12 या तो मैं उसमें पिक्चर में मेरा डेब्यू था, 12 या 14 स्क्रीन्स पे हम लोग लगे थे और हमें लगा था कि पंजाबी सिनेमा बन गया, पैदा हो गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम 12 स्क्रीन्स के बाद, मुझे लगता है हम लोग कम से कम, नहीं तो आज सानी साहब करेक्ट करेंगे मुझे, हम लोग कोई 40 मुल्कों में लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात होगी ये हमारे लिए। और आमिर साहब, आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर हैं, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। क्योंकि एक्टर जब तक एक्टर रहता है तब तक वो अपने परिवार के लिए सोचता है, लेकिन एक्टर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो पूरे देश के लिए सोचता है। जो कॉन्टेंट आपने दिया है सदियों तक आपको याद रखा जाएगा आमिर साहब। एक्टर बन के पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं, आप के हिस्से में ये आया है, सिर्फ आपके हिस्से में, कि आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं।